करनी होगी और स्पीड बढ़ानी होगी। जंगल से भटक के शहर में आया होगा और ये खुद बहुत डरा हुआ है। आप सन सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन कीजिए, वो इसे पकड़कर जंगल में छोड़ देंगे। चलो चलो की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है। मैं हूँ डॉक्टर डूंगा, सन सिटी को लूट लूंगा। पीएचडी किया है मैंने चोरी में, सारा माल मेरी तिजोरी में। हुई हुई हुर। अच्छा अच्छा, कोबरा ने डायमंड्स चोरी कर लिए। क्या कोबरा ने डायमंड्स चोरी कर लिए? कोबरा ने सरसों के खेत में शार्क के शिकारी के शिकार का शार्क छगन में गप गप करके गब्बारे फूटेंगे गगन में। मतलब झटपट सर कह रहे हैं कि कोबरा ने चोरी की है तो उसको किसी सपेरे ने ट्रेन किया होगा। सन सिटी के सारे सपेरों को पकड़ लेते हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। अच्छा आइडिया है। अब मैं जाऊंगा झटपट और उन सपेरों को पकड़ के लाऊंगा फटाफट। झटपट अंकल, उस चोरी के बारे में? चमकती हुई चांदनी में टंकी का टपकता हुआ पानी मिला के अभी आता हूँ। झटपट सर, सन सिटी के सारे सपेरों को पकड़ के अभी लाते हैं। लेकिन चोरी कोबरा ने नहीं। चीको, आओ आओ, तुमने सुना कोबरा ने चोरी कर ली? ईश, आजकल के कोबरा को भी न जाने क्या हो गया है। हमारे जमाने के सांप ऐसा नहीं करती थी बेटा। मेयर अंकल, ये चोरी किसी कोबरा ने नहीं की है। कोबरा की शेप में कई रिमोट कंट्रोल छोटी छोटी गाड़ियों ने की है। ज्वेलरी स्टोर के सीसीटीवी में सब दिख गया है। ईश, और जासूस झटपट सपेरों को पकड़ने चले गए हैं। हाँ, एक बार मैंने एक एनाकोंडा को चुटकी बजा के छोटा कोबरा बना दिया था। हाँ, मुझे लगा शायद ये वही वाला कोबरा है। आपने अजगर को चुटकी बजा के छोटा सांप बना दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, झूठ बोलूं तो मेरे मुंह में मच्छर घुस जाए। अब इस कार वाले चोर को कैसे पकड़ोगी बेटा? ये छोटी छोटी कार छोटा सामान ही चुरा सकती हैं, और सबसे छोटा और सबसे महंगा सामान है हीरा, डायमंड्स। मुझे लगता है अगली चोरी भी डायमंड्स की ही होगी। हमें डायमंड मार्केट के आसपास निगाह रखनी होगी। मुझे लगता है वो कार फिर से वहाँ जरूर आएंगी। विश्वास है कि वो छोटी कार्स वाला कोबरा यहाँ आएगा? हाँ ट्विंकल। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें अपने छोटे से पर्स में कोई एक सबसे कीमती चीज ले जानी होती तो तुम क्या ले जाती? वन वर्ड में, हीरा। हीरा से याद आया, खीरा खा लेता हूँ। इतनी छोटी कार में सबसे कीमती चीज जो ले जाई जा सकती है वो हीरा है,
और सन सिटी के सबसे कीमती हीरे इसी बाजार में है। टोनी बॉस, हम यहाँ क्यों आए हैं? उस कोबरा चोर को पकड़ दे, हमेशा किको फेमस हो जाता है। इस बार मैं फेमस होऊंगा। आप कोबरा को पकड़ेंगे? बिल्कुल, मैं उसको पकड़ के उसकी टाई बना के गले में लटका के। कोबरा बचाओ मम्मी! टोनी बॉस, आप तो प्लास्टिक के सांप से डर गए। पेंसिल की शार्प नोक है, टोनी बॉस डरपोक है। मेरी ताकत देखनी है। तो टोनी का मुक्का यानी हुक्का। चलो चलो रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। Ayo Kiko, aaya buddy super speedo, karne aaya pareshani dur, kya tum theek ho? Batao, masti karni hai ya dushmanon se kuchti? Long drive pe chalna hai ya karni kiski chutti? Kyunki wrong se hai katti, right se hai batti, how can I help you? Batao jaldi jaldi. Super speedo, ये छोटी छोटी कार्स चोरी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। हमें इन्हें और इनको कंट्रोल करने वाले को पकड़ना होगा। जिसने कराई है इनसे चोरी, हम उसकी बैंड बजा देंगे। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 142। ओके कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 142। सिटी के रक्षक किको, तुम मेरी कार्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और हम इनके कंट्रोलर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ बड़ी, इस मुसीबत से बाहर निकलते निकलते तो ये छोटी कार्स पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। एक ही तरीका है, फॉर्मूला नंबर 577, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। ओके कीको, अप्लाई फॉर्मूला नंबर 577। गो सुपर स्पीडो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर डूंगा, आज किको का खेल खत्म कर दूंगा।
ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। सन सिटी को लूट लूंगा। पीएचडी की है मैंने चोरी में, आज की को भी मेरी तिजोरी में। हुई हुई हुर। किको तो गया, अब सुपर स्पीडो की बारी है। ये है मेरी राह की सबसे बड़ी मुसीबतें। एक बार इन्हें काबू में कर लिया, फिर सन सिटी मेरी है। ये छोटी कार बनके मेरे पावर्स भी छोटे हो गए हैं। कोई बात नहीं, बस एक बार इनके अड्डे पर पहुंच जाऊं, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आके इन गाड़ियों से निपटूंगा। हाँ? मुझे पता है, इतना सिकुड़ के सुपर स्पीडो का पावर भी सिकुड़ गया है। और पावर मेरी कार्स में भी कुछ कम नहीं है। ये क्या पंगा हो गया? मैं अपनी फुल पावर लगाकर भी अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा। कीको भी नहीं है, वरना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता। अब एक ही रास्ता है, फॉर्मूला नंबर 578 लगा के वापस अपनी साइज में आ जाऊं। फॉर्मूला नंबर 578 एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे लगाकर मैं ओरिजिनल शेप में आ जाऊंगा। ये किस मुसीबत में पड़ गया रे सुपर स्पीडो? बिना कीको की कमांड के अपने ओरिजिनल साइज में आना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो मैं इन जालिमों के बीच में फंस जाऊंगा। अब तो बस मुझे कीको ही बचा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर डूंगा, सन सिटी को लूट लूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम भी नहीं किको, क्योंकि मैंने चोरी में पीएचडी की है। डॉक्टर डूंगा, चोरी करना बहुत रॉन्ग है। तुम चोरी का सामान वापस करके राइट काम करो। मैं सोच रहा हूँ और बड़ी चोरी करके थोड़ा और रॉन्ग कर लूँ, फिर रिटायर होके वो करूँ जो करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्या? चोरी। मुझे पता है किको, कि तुम्हारे कमांड से सुपर स्पीडो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा और मेरी बैंड बजा देगा, पर मैंने उसका भी इंतजाम किया है। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 578। ऑलराइट डूड, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 578। पीएचडी की है मैंने चोरी में, कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये केज अनब्रेकेबल मेटल का है जिसमें रेडिएशंस निकल रही हैं। इसको तोड़ के निकल पाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर डूंगा, सन सिटी को लूट लूंगा। अब मैं कर रहा हूँ अपनी हर कार में ये बॉम्ब फेट।
अब तक तुम लोगों ने छोटी कारों का सांप देखा, अब छोटी और बड़ी कारों का एनाकोंडा देखोगे। बस तुम और सुपर स्पीडो ही मेरा खेल बिगाड़ सकते थे, अब तुम्हारा ही खेल खत्म होने जा रहा है। डॉक्टर डूंगा लूट लूंगा। सुपर स्पीडो, ये केज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। पर एक चीज है जो ये केज नहीं रोक सकती। क्या? थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो का R। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो का R। सुपर स्पीडो, ये बॉम्ब फटने वाला है, हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। अब भागने का टाइम नहीं है बड़ी किको, इसी बॉम्ब मेरी डिक्की में डाल दो। नहीं, डू इट किको, ट्रस्ट मी। तुम ठीक तो हो ना सुपर स्पीडो? मैं एकदम ठीक हूँ किको, ये तो मैं तुरंत ही रिपेयर कर लूंगा। जो भी सनसिटी पर बुरी नजर डालेगा, हम जमकर उसकी पिटाई करेंगे। डॉक्टर डूंगा, आ रहा हूँ मैं तुमसे बदला लेने। अभी तो सनसिटी ने देखा था कोबरा का जहर, अब वो देखेंगे इसका कहर। डोंग डोंग बजा अलार्म, शुरू हो गया अपना काम। चोर है सारी फेक कार, सारी की सारी फेक है यार। जो है इनका बिग बैड बॉस, आज करेंगे उसका लॉस। डेगा डेगा डम डम, बेटर गेट रेडी, हियर वी कम। मैं हूँ डॉक्टर डूंगा, सन सिटी को लूट लूंगा। चल दिखा मेरे जायंट कोबरा अपनी पावर। भाइयों और बहनों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ डॉक्टर डूंगा, सन सिटी को लूट लूंगा। मैंने चोरी में PhD की है, शांति से चोरी करने दो और सेफ रहो। जब तक मेरे जायंट कोबरा का पेट भरा है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस आके अपने गहने, पैसे, पर्स इसके मुंह में डाल दो। मानना पड़ेगा किको, मुझे लगा था अब तक तुम दूसरी दुनिया में पहुंच गए होगे। खैर, तब नहीं तो अब जाओगे। अगर यहाँ डॉक्टर डोंगा से फाइट की तो शहर को नुकसान पहुँच सकता है, हमें किसी तरह उसे शहर से बाहर ले जाना होगा। कैसे करेंगे हम किको? फॉर्मूला नंबर 489 लगा के। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 489। डॉक्टर डोंगा, तुम ये मोटा सुस्त कोबरा लेकर हमसे लड़ाई करोगे, तब तो तुम्हारी बेइज्जती होगी सारी सन सिटी के सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबसे पहले तो तुम्हारा इलाज करता हूँ, सन सिटी को बाद में लूटता रहूंगा।
क्या बात है, पेट्रोल खत्म हो गया तुम्हारी खटारा गाड़ी का? क्या मेरे एनाकोंडा से डर के सरेंडर कर रहे हो? डर तो तुम्हें लगना चाहिए डॉक्टर डूंगा, बारूद के ढेर पे तो तुम बैठे हो। क्या मतलब? मतलब तुम हम पे कार बॉम्ब फेंकोगे तो हम फॉर्मूला नंबर 313 लगाएंगे। लगा लो जो भी फॉर्मूला लगाना है, पर अब तुम नहीं बच सकते। मैं हूँ डॉक्टर डूंगा, सन सिटी को लूट लूंगा। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 313। ऑलराइट ड्यूड, अप्लाई फॉर्मूला नंबर 313। डॉक्टर डूंगा, ये था फॉर्मूला नंबर 313। अब ये बम फटेगा और साथ में फटेंगे दूसरे सारे बम। नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने बड़ी मेहनत से पीएचडी की है चोरी में, मुझे बचा लो। तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है। क्या? डॉक्टर डूंगा, चोरी में पीएचडी की है ना बेटा तुमने, अब जेल में केजी पढ़ना। केस सॉल्व कर दिया, ये है सन सिटी के सारे सपेरे। अरे हमारी इजाजत के बिना सन सिटी में हवा हर हर नहीं कर सकती, पानी पर पर नहीं कर सकता। बताओ, लाल घास में पीला लठ मार के काली भैंस को लाल पीला किसने किया है? झटपट अंकल पूछ रहे हैं कि जीत वाला गीत कौन